साथियों, बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज की यात्रा इस बदलाव की साक्षी रही है कि देश कैसे समानता और समरसता को प्राथमिकता दे रहा है। आजादी के बाद 75 वर्षों में पहली बार देश का नेतृत्व एक आदिवासी के हाथ में है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी के रूप में सर्वोच्च पद पर भारत का गौरव बढ़ा रही है। पहली बार आज देश में आदिवासी इतिहास को इतनी पहचान मिल रही है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे जनजातीय समाज के उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन दशकों तक इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों पर, वीर वीरांगनाओं के उन बलिदानों पर पर्दा डालने के प्रयास होते हैं। अब अमृत महोत्सव में देश ने अतीत के उन भूले बिसरे अध्यायों को देश के सामने लाने का बीड़ा उठाया है। पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। पहली बार अलग अलग राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम खोले जा रहे हैं। पिछले साल ही मुझे झारखंड के रांची में भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित म्यूजियम के लोकार्पण का अवसर मिला था। ये देश में पहली बार हो रहा है, लेकिन इसकी छाप आने वाली कई पीढ़ियों में दिखाई देगी। ये प्रेरणा देश को कई सदियों तक दिशा देगी। साथियों, हमें हमारे अतीत को सहेजना है, वर्तमान में कर्तव्य भावना को शिखर पर ले जाना है और भविष्य के सपनों को साकार करके ही रहना है। आदि महोत्सव जैसे आयोजन इस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम है। हमें इसी एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाना है, एक जन आंदोलन बनाना है। ऐसे आयोजन अलग अलग राज्यों में भी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए।